राजपुर शुक्रवार को जनपद पंचायत परिसर में भव्य शपथ समारोह आयोजित किया गया, जिसमें तीसरी बार जनपद पंचायत अध्यक्ष चुनी गई सुनीता इंदर सिंह चौहान ने विधि विधान के साथ शपथ ग्रहण करी। वहीं उनके साथ सभी सदस्यों ने भी शपथ ली। समारोह को भव्य रूप से सजाया गया। जनपद पंचायत अलीराजपुर के सभी पंचायतों के सरपंच, उप सरपंच और पंच इस समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन के साथ शुरू हुई, जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनीता इंदर सिंह चौहान और स्थितियों ने कन्याओं का पूजन कर उन्हें उपहार भेंट किए, जिसके बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम स्कूल की छात्राओं द्वारा गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष नागर सिंह चौहान, जिला भाजपा अध्यक्ष वकील सिंह ठकराल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य व भाजपा के नेता इंदर सिंह चौहान, पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष किशोर साह, नगर पालिका अलीराजपुर अध्यक्ष रितु डावर सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। वहीं इस समारोह की सबसे मनमोहक पल तब था जब सभी धर्म गुरुओं को मंच पर विराजमान कर उनकी उपस्थिति में शपथ समारोह हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में युवा नेता इंदर सिंह चौहान ने आम जनता का आभार मानते हुए कहा कि ये भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की मेहनत से ही संभव। सच्चाई और ईमानदारी से निर्वहन करूंगी। मैं अपने कार्यकाल में अपने पंचायत क्षेत्र का सर्वांगीण विकास, सामाजिक न्याय की भावना को सर्वोपरि रखते हुए गरीब एवं पिछड़े वर्ग के इन अतिथियों के साथ मंच पर स्थान ग्रहण करें। माँ भारती का पूजन और देवी स्वरूपा कन्याओं के पूजन के पश्चात अब बेला है माँ भारती के चरणों में। विकास की एक दीर्घकालीन योजना बने जिसमें मेरी पंचायत के सभी गांवों का विकास हो, सभी बालक बालिका स्कूल जाए, गांव में लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले, सभी स्वस्थ रहे, मेरे क्षेत्र का कृषि के क्षेत्र में 13 तारीख से करने वाले, आप सबको मालूम है कि नहीं? घर का झंडा लगाना मालूम सबको? मैं आप सब भाइयों से कहना चाहता हूं कि हमारे आन और बान शान, हम तिरंगा झंडा लेकर जब घूमते हैं आजादी के 75। प्रत्येक गरीब को मांग अनुसार रोजगार मिले, नई नई तकनीकों का लोग फायदा उठाए, जिससे उत्पादकता बढ़े और पंचायत क्षेत्र आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बने। अपने गांव की दशा बदलने के लिए प्रयासरत रहूंगी। मैं यह भी संकल्प लेती हूँ कि मैं जाति धर्म या संप्रदाय के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करूंगी। जय हिंद, जय भारत। विराम पर है बेटियों के पद प्रक्षालन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए सम्मानीय मंच के अतिथि पुनः मंच की ओर मुखातिब होंगे। उसके बाद मैं मंच से आह्वान करूंगा कि यहां पर मां भारती के चरणों में हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पूछेंगे? नहीं, वो सब मैं पूछ लूंगा, ये पहले पूछेंगे। लगातार जनपद में भाजपा की जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? जीत का श्रेय किसे देंगे आप? ये भारतीय जनता पार्टी के सुख दुख में इंदर भाई सुनीता चौहान साहब ने हमारे सभी सरपंच को कभी भेदभाव नहीं करते हैं, उसीलिए उनके मान सम्मान में कांग्रेस वाले भी खड़े हैं, बीजेपी वाले खड़े हैं, और उनके मान सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी में भी समर्थ मौर्य पूर्व सरपंच हूँ, मेरी मिसेज वर्तमान सरपंच है, हम भी सभी सरपंच एक साथ होकर ने इंदर सिंह भाई समर्थक में और उसको जीता है, उसके बहुत खुशी हमारे है। और हमारा भी फाटा वाला मेहर सिंह भाई उपाध्यक्ष बना है जनपद पंचायत का, उसके बहुत बड़ी हमारे क्षेत्रों भी खुशी है, उसके सब लोगों को ढेर सारी आभार देता हूँ।
विकास के लिए आगे क्या रणनीति है आप लोगों? सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास। अब सबने हमको जिताया तो सबके साथ, सभी भैया हमारा है, हम लोग सबके बीच में जाएंगे, जो भी सुख दुख में आएगा उसके साथ देंगे, उसके सहयोग करेंगे, और हमारे से नहीं बनेगा भैया से मदद लेंगे हम, और उसका भैया से मदद लेंगे, भाभी से मदद लेके जहाँ विकास नहीं होता उनका विकास नियम के अनुसार जो कार्य रहेगा उसका करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं समर सिंह मौर्य, ग्राम पंचायत नानपुर, पूर्व सरपंच। सामान्य रिंटिया जी तबर आवाज सुन रहे हैं तो वह भी मंच पर आने का कष्ट करें। नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष रिंटिया जी तबर, मैं बहनों से उपस्थित होने के लिए कहूंगा। अभी पानी अच्छा गिर रहा, खेती अच्छी है। मैं आप सब भाइयों से कहना चाहता हूं कि जो सरपंच नव निर्वाचित हुए हैं, क्या हमारे गांव में बारिश में ऐसी कोई कार्य योजना बना नहीं सकते है क्या? हर गांव में जितने घर है उतने वृक्ष नहीं लगा सकते क्या? बताऊ लगा सकते क्या? लगा सकते बताओ। मैं आप सब भाइयों से कहना चाहता हूं, आप आम लगाना चाहते तो आम लगाइए, जाम लगाना तो जाम लगाइए, कटर लगाना तो कटर, ऐसे कार्यक्रम हमको गांव में। लगातार जनपद पंचायत में भाजपा की जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? लगातार जनपद अध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण अलीराजपुर जनपद में माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मान्य शिवराज सिंह चौहान जी, जन कल्याण योजना नीचे तक उनकी विकास की जीत है। आगे क्या रणनीति है विकास को लेकर? आगे रणनीति यह है कि आज हम अलीराजपुर जनपद से सभी सरपंच निर्वाचित जीतकर आए हैं, जनपद सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं, इनके साथ हम बैठक करेंगे, पूरी एक रणनीति के तहत हम लोग को सिस्टम बनाएंगे, सिस्टम के साथ हम लोग नीचे काम करेंगे।